सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फोन में अपने फोटो और वीडियोस को आप छुपाना चाहते हैं तो गाइस आप अपने फोन में अपने फोटो और वीडियोस को आप कैसे छुपाएंगे ताकि किसी का भी बाप भी पता ना लगा सके कि आपके फोन में क्या है क्या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक इजी तरीके से बताने वाले, एक ट्रिक बताने वाले गाइस, आपको ट्रिक की मदद से अपने फोन में जितने फोटोज वीडियोज हैं आप उसको हाइड कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं ताकि कोई भी पता ना कर सके। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, वीडियो एंड तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप अपने फोन में अपने फोटो और वीडियोस को हाइड कैसे करेंगे, छुपाएंगे कैसे। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को इस तरीके से ओपन कर लेना। तो देख सकते हैं अपने मोबाइल को इस तरीके से ओपन कर लिए, तो आप जैसे अपने मोबाइल को इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने कैलकुलेटर को ओपन कर देना। आपके जो फोन में सिंपल वाला कैलकुलेटर है, आप जिसे डिवाइड करते हैं, आप जिसे जोड़ घटाना जो भी आप करते हैं, हिसाब करते हैं, आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपका जब कैलकुलेटर इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो देख सकते हैं आपके फोन में यहाँ पे नॉर्मल वाला कैलकुलेटर है, उसमें फीचर्स नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च बार पे क्लिक करना है। आप सर्च बार पे आपको क्लिक कर देना है कैलकुलेटर। तो जैसे आप सर्च बार पे आप क्लिक कर देंगे कैलकुलेटर, उसके बाद में आपको सिंपली स्वाइप करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेटर हाइड फोटोज वीडियोज, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कैलकुलेटर हाइड फोटो एंड वीडियोज और यहाँ पे इंस्टॉल और ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। तो क्या जैसे आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में आप ओपन करेंगे, उसके बाद में जैसे जो एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होगा तो आपको इस तरीके से सिक्योरली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब आपको यहाँ पे सेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको चार अंक का यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इक्वल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, बराबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्या जैसे आप ऐसे इक्वल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में समय फिर से कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से एक बार उसी पासवर्ड को आपको डालना और आपको इक्वल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्या जैसे आप दो बार पासवर्ड आप डाल करके इक्वल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में सब आपके सामने पे एक क्वेश्चन चूज करने का आएगा। यहाँ पे देखा लिख रहा है वेयर आर यू बर्न, मतलब आप कब पैदा हुए हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर भविष्य में अपना पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन की मदद से अपने पासवर्ड को आप पता कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अपना यहाँ पे क्वेश्चन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, ऊपर एक स्किप का ऑप्शन हो रहा है, तो आपको सिंपली स्किप पे क्लिक कर देना है। तो अगर जैसे आप ऐसे स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में सब आपके सामने इस तरह का डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे फोटोज, वीडियोज, फाइल और कॉन्टेक्ट नोट्स और यहाँ पे रिसाइकल बिन आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि ऊपर किसी वीडियो या किसी फोटो को इसमें हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम फोटोज यहाँ पे वीडियोज पे क्लिक करेंगे। वीडियोज पे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऐड आएगा, तो सिंपली आपको इस ऐड को स्किप कर देना है। यहाँ पे देखते देखते ऐड आएगा, तो आपको सिंपली आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, केवल आपको इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद में अब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डालना है। डालने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो क्या जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर से यहाँ से ऐड आएगा, तो फिर से आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ऐड को आपको स्किप कर देना है। तो क्या जैसे आप ऐसे ऐड को स्किप कर देंगे तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन होगा, सिंपल आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके यहाँ पे गैलरी और फोल्डर ओपन होकर के आ जाएगा, तो आपको अपने गैलरी को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में अपने जिस वीडियो को आप इसमें हाइड करना चाहते हैं आप अपने इस वीडियो को आप ऐसे चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपने इस वीडियो को यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, इस वीडियो को हम चूज कर लेंगे, यहाँ पे इस वीडियो को हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको सिंपली हाइड पे क्लिक कर देना है। नीचे एक ऑप्शन हो रहा हाइड का, तो आपको सिंपली हाइड पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे हाइड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आप सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं फिर से ऐड आएगा, तो जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं इसमें बार बार ऐड आएगा। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको ऐड को स्किप कर देना है। ऐड को स्किप करने के बाद में आपका जो वीडियो इसमें हाइड हो चुका है, देख सकते हाइड हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना, अगर गाइस आप और भी वीडियोस ऐड करना चाहते हैं तो नीचे गाइस यहाँ पे प्लस का ऑप्शन हो रहा है, तो आप प्लस पे क्लिक करके आप और ज्यादा वीडियो को इसमें हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको फिर से यहाँ से बैक आ जाना, एकदम बैक आ जाना। बैक आने के बाद में आप फिर से इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ से ओपन करना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को हम ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में मेरा जो एप्लीकेशन इस तरीके से
ओपन हो रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ऐड आएगा, ऐड को स्किप करना है। अब आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डालना है, आपको इक्वल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसे इक्वल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको इसकी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसकी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप फिर से अपनी वीडियो को ऐड करना इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से ऐड आएगा तो आपको सिंपली ऐड को स्किप करना है। उसके बाद में आपका जो वीडियो इसमें ऐड हो जाएगा, छुप जाएगा, आपकी वीडियो इसमें हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखते मेरा वीडियो यहाँ पे शो हो चुका है, यहाँ पे देखते जो वीडियो अभी हाइड किए हैं वो वीडियो यहाँ पे शो हो चुका है। तो वैसे आप इस तरीके की मदद से, इस एप्लीकेशन की मदद से अपने फोन का जितने भी फोटोज है, वीडियोज है, आप इसमें हाइड कर सकते हैं। किसी का बाप भी पता नहीं कर पाएगा कि आप अपने फोन में कुछ एक्स्ट्रा चीज रखे हुए हैं। तो इस तरीके से गाइस आप इस ट्रिक की मदद से आप अपने फोन का वीडियोस और यहाँ पे फोटोज आप हाइड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको बड़े पसंद आए होंगे। बड़े पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।